नमस्कार, मैं हूं रिंकी रावत और आप देख रहे हैं A-1। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक दवन ने कहा कि भाजपा ने गौ रक्षा के नाम पर डर और भय का माहौल कायम किया है। वह गुड़गांव में बीजेपी ऑफिस के खिलाफ धरने पर बैठे लोगों को संबोधित कर रहे थे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने गुरुग्राम के सिलोखरा में भाजपा कार्यालय बनाने के विरोध में धरने पर बैठे ग्रामीणों से मुलाकात की तथा उन्हें संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश भर में भाजपा के द्वारा 18 कार्यालय खोले जा रहे हैं। वास्तव में यह काले धन का एक नमूना है। उन्होंने धरने पर बैठे ग्रामीणों को समर्थन देते हुए कहा कि इस प्रकार से जबरन जमीनें नहीं ली जा सकती। उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा इस मामले में प्रदेश भर में एक दिन का सांकेतिक धरना दिया जाएगा। तवर ने देश में लगातार बढ़ती हुई मॉब लिंचिंग की घटनाओं को शर्मनाक एवं दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि भाजपा ने पूरे प्रदेश में गोरक्षा के नाम पर डर और भय का माहौल बना दिया है, जिसके चलते ये घटनाएं लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। पाप की काली कमाई, जो नोटबंदी में इन्होंने 8-10 लाख करोड़ रुपए कमाए बीजेपी ने, और तमाम जो भ्रष्टाचार लगातार इनका चल रहा है उसके माध्यम से ये जमीन जो ये खरीद नहीं सकते थे, पंचायत की गांव की जमीन है, धर्मस्थली की जमीन है, यहाँ पर शिवालय मंदिर तोड़ दिए, गौशाला तोड़ दी, यहाँ पीर की मजार थी वो तोड़ दी, बरगद काटने का काम ये कर रहे हैं, तालाब को पूरा ढकने का काम कर रहे हैं। वहाँ पहले भी ये बात आई थी और हम सोच रहे थे कि ये सरकार संवेदनशील सरकार होगी और लोगों के गांव की जो लोगों की डिमांड है उसके आधार पर उनको ये जमीन वापस कर दी जाएगी, जो उनका हक है। 1956 में हाईकोर्ट से ये केस जीते हुए इन्होंने अपने दस्तावेज दे दिए और अब सब लोगों का एक ही मन है कि यहाँ पर एक इंच जमीन, क्योंकि गांव के पास पहले ही जमीन कम है, इन्होंने कह दिया कि अगर बीजेपी ने 10 करोड़ में जमीन खरीदी, हम 20 करोड़ एक घंटे के अंदर देने के लिए तैयार हैं, लेकिन जमीन एक इंच नहीं जाने देंगे हम। तो मैं समझता हूँ कि हमारा पूरा समर्थन इनको है और जो 17 जगह जो भी इन्होंने, मैंने कल भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे पूछा भी था ये सवाल कि ये काला धन कहाँ से आया, ये ऑफिसेस कैसे बन रहे हैं, लेकिन उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि इनके समर्थन में एक सांकेतिक एक दिन का धरना हम पूरे जितने भी जहाँ पर बीजेपी के कार्यालय बन रहे हैं या हैं वहाँ पर सांकेतिक धरना इनके समर्थन में देंगे। और ये बात इन्होंने कहा है कि शीर्ष नेतृत्व तक पहुँचे तो राहुल जी तक और भी जगह पे हम ये सारी बात पहुँचाएंगे। मॉब लिंचिंग की बात की आपने, मेवात में 2 हत्याएं हो चुकी हैं मेवात के लोगों, भाजपा शासित प्रदेश में हो रहा है, क्या कहेंगे सर इस बारे में? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज, और इसी को राहुल जी कह रहे थे कि हमें नफरत की राजनीति खत्म करनी है, यही एक मायने में असहिष्णुता है, यही धर्म की और जाति की राजनीति करके भारतीय जनता पार्टी आज राजनीतिक जहर घोलने का काम उन्होंने पिछले लगातार 4 वर्षों में पूरे मुल्क में किया, हरियाणा में किया। और ये जो पहलू खान है, रतबर खान है, ये हैं तो हरियाणा के, जब ये राजस्थान जाते हैं क्योंकि वहाँ पशुधन सस्ता है, गौ माता को, और ये आज से नहीं, ये हजारों साल से पशुपालन का काम करते हैं। कल मैं परसों वहाँ पर गया था, साथी मेरे से पूछ रहे थे कि क्या अब मुस्लिम भाइयों को गाय पालने का अधिकार नहीं है, क्या भाजपा की सरकार आने के बाद हम गौ माता का दूध हम नहीं पी सकते? तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही चिंता का विषय है और इसके ऊपर सरकार का कोई प्रतिनिधि अभी तक नहीं गया। 5 घटना इस तरह की अभी तक हरियाणा के जो लोग हैं हमारे उनकी हो चुकी है, ना कोई मुआवजा है, ना कोई संभालने वाला है, और लोग आज अपने आप को पूरी तरीके से असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हम उनके साथ खड़े हैं और उनकी लड़ाई को अंजाम तक पहुँचा। और जी, हरियाणा में जितने भी झोड़ हैं उनके सब साथी के घरों ने मना कर रखा है कि इसका कोई भी ना है, उसको भी देख के बीजेपी के प्रदेश से उसमें छलांग लगा रहे हैं झोड़ में। नहीं, वो झोड़ में नहीं, वो तो नहर है, भाखड़ा नहर, तो नहर पे उसमें मना कर रखा है, लेकिन ये तो सारे उल्टे काम करते हैं। जो जो यहाँ तो तालाब ही पूरा भर दिया, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि कोई भी बावड़ी हो, झोड़ हो, कोई भी ऐसा वो हो, पुराना लेक हो, उसको वो केवल तालाब के पर्पज से ही, वाटर बॉडी को वाटर बॉडी के पर्पज के लिए रखा जाएगा, उसको नहीं आट सकते। ये इन्होंने यहाँ पर आटा, ऐसे ही और गुड़गांव के अंदर कई जगह वाटर बॉडीज के बीच में से सड़क निकाल दी बिल्डर्स को फायदा देने के लिए। यही ये सरकार कर रही है
और ऊपर से जो है चोला इन्होंने शराफत का ईमानदारी का ढका हुआ। आपने ऑफिस की बात करी, क्या सरकार आने पर, कांग्रेस की सरकार आने पर इनकी जांच कराई जाएगी? बिल्कुल, मैं समझता हूँ। सबसे पहले तो ये जो मैंने इन साथियों को कहा है, गांव सलोखरा के सभी ग्रामवासियों को, कि आप पूरी मजबूती से आगे डटे रहिए, कांग्रेस पार्टी आपके साथ है, और अगर गाँव वाले चाहेंगे तो मैं समझता हूँ कि एक इंच यहाँ लगने नहीं। ये धरना आज धरने का 16वां दिन है। डॉक्टर अशोक तंवर आज हमारे धरने को यहाँ समर्थन करने आए हैं, हम उनका धन्यवाद भी करना चाहते हैं। और हम पिछले 16 दिन से यहाँ बैठे हैं, लेकिन सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि हमारी पितरों की जगह है, आस्था और संस्कृत और सभ्यता का प्रतीक है, तो इस जगह को छोड़ दिया जाए, क्योंकि ये माननीय हाई कोर्ट ने भी 1956 में छोड़ दिया गया था। हमने मुख्यमंत्री जी को ये सारा अवगत करा दिया है। अब हम मुख्यमंत्री जी के आदेश का, उनके निर्णय का इंतजार कर रहे हैं कि वो क्या निर्णय देना चाहते हैं। आज अशोक तंवर जी ने यहाँ मौके पे आके बीजेपी कार्यालय को वहाँ पे काम को जो है रुकवाया है, कहा है कि भाई ये काम अवैध हो रहा है और ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब ये आस्था का प्रतीक है तो इस ज़मीन को क्यों लेना चाहते हैं। हाई कोर्ट ने इसको छोड़ दिया है तो फिर क्यों लेना चाहते हैं, ये ज़बरदस्ती जो ना यहाँ पे कर रहे हैं। तो आज पूरे गांव के लोगों ने और आसपास के लोगों ने यही कहा है कि हमारे तालाब, हमारा मंदिर, हमारे पेड़ और जितने भी जो ना ये जगह है हमारा, वो बना के ये सरकार दे। हम मुख्यमंत्री जी के आदेश का इंतजार कर रहे हैं कि वो क्या हमारे लिए निर्णय गुड़गांव की सरकार नहीं चेतनी है, तो फिर आगे की क्या रणनीति है, क्योंकि कांग्रेस भी एक दिन आपके लिए धरना प्रदर्शन करेगी। हाँ, निश्चित तौर पे आज डॉक्टर साहब कह के गए हैं कि एक दिन कांग्रेस यहाँ पे धरना देगी, और सभी पार्टियों का समर्थन हमें मिल गया है, सभी सामाजिक और संगठनों का समर्थन मिल गया है, 360 पालम, 360 गुड़गांव, सबका समर्थन मिल रहा है। लेकिन फिर भी मैं देखना चाहता हूँ कि सरकार की क्या नीति है, क्या नीयत है, कोई डिसीजन, कम से कम इतने दिन हो गए हैं 16 दिन, कोई डिसीजन तो लें भाई, क्या डिसीजन लेना है इनको, ना करना है ना करे, हाँ करनी है हाँ करे। हम ग्रामीण उनसे पूछना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी से भी, कि वो निर्णय तो लें कम से कम कि क्या करेंगे, लेकिन अभी तक कोई निर्णय आया नहीं है। तो आगे क्या रणनीति है? निश्चित तौर पर अगर हमारे उल्टा रिजल्ट आया, अगर मुख्यमंत्री जी ने हमारे खिलाफ जो ना ये फैसला दिया, तो उसके बाद क्या स्टेप होगा उसको पूरी दुनिया देखेगी।